ए टू जैड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। नैशनल हाईवे रोड खटखट टोल प्लाजा पर फिलहाल खड़े हाँ। पहले दिन तक बात चल रही है, बॉर्डर की बात हो, धरने की बात हो, टोल प्लाजा की बात हो, एक चीज़ आप लोग हमने दिखाई है कि इस आंदोलन में नए रंग ढंग, नया रंग रूप, नई नई चीज़, नई नई बात देखने को मिली है। गाड़ी भी देखी होंगी, मोटरसाइकिल भी देखी होंगे, साइकिल भी देखे होंगे, ट्रक भी देखे होंगे, और कोई गाड़ियों के पास ट्राली जोड़े भी देखा होगा। लेकिन एक और अजूबा कहवाँगे इस चीज़ ना, अपने एक चीज़ और दिखावांगे आज। गाड़ियों का अगर नंबर प्लेट पर अपने नए नए डिज़ाइन देखे होंगे, लेकिन एक इसी इंडाइवर गाड़ी अपने साथ में खड़ी है जिसकी नंबर प्लेट पर नंबर नहीं है। उस पर एक चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ फार्मर पहली बार देखा कि किसान सरकार, हरियाणा सरकार देखी होगी, भारत सरकार देखी होगी, किसान की सरकार गाड़ी की नंबर प्लेट पर है। उसके नीचे एक और प्लेट है संयुक्त किसान मोर्चा की, और पीछे भी प्लेट देखी है नो फार्मर नो फूड। यानी ये कैश कहाँ, किसान तो जुड़ी आ गाड़ी है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप देखने लग रहे हो किसान के जो साथी होया कर दे कहवागे, क्योंकि ये चीज़ आज नहीं है। अलजुआ कह लो, बड़द ला लो, वो चीज़ नहीं। आज ट्रैक्टर की खेती आएगी, आपने दिखने लग रहा है यू जुआ है, टांगली कहते हैं, दाती टंगरी है, या ओकटीरी और वह प्रांत जेली री यू संटा रहा और के है, हाँ डोगा किचे वो डोगा रहा यू संटा यू अड़ है। यानी एक गाड़ी के ऊपर किसान की जो साथी होया करता, किसान के जो सारे औजार हैं, और यह किसान के हथियार हैं, और देश की आन बान शान कालिया जिसने तिरंगा है जो, वो भी आपने दिखने लग रहा है। यानी प्रॉपर किसान तो जुड़ी आ पाया गाड़ी, कैश कहाँ, किसान सरकार भी, ई भी आ गाड़ी किसकी है, क्यों यह चीज़ बनाई है, वो इंसान भी अपने साथ में खड़े हैं भाई साहब। और थोड़ा इनके बारे में मैं इसलिए अपना बताना चाहूँगा, सवा दो महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, हरियाणा के सबसे कम उम्र का वैसे तो दावा किया गया था जस्सी पेटवाड़ की तरफ से, लेकिन भाई साहब ने आज बताया कि मैं उनसे भी 3 महीने छोटा हूँ। इस आंदोलन में जिला परिषद है टिकरी बॉर्डर पर जाकर इन्हें इस्तीफा दिया था, उसकी अपन वीडियो बनाई थी। इस भाई की गाड़ी है, पूरा पूछेंगे भाई साहब। सबसे पहले अपना राम राम। राम राम भाई, सारे भाई ना राम राम। ठीक हो? ठीक है भाई साहब। थोड़ा दोबारा अपना बारे में और बता दो दर्शकों ने। मैं भाई निडानी गांव का हूं, और जिला पार्षद था, आंदोलन जब शुरू हुआ उस टाइम पे इस्तीफा दे दिया था, अमित मलिक निडानी नाम है। और जिस दिन का आंदोलन शुरू हो रहा है उस दिन तो भाई दिन रात लग रहे हैं सारे किसान साथियों के साथ में। जो भी संयुक्त किसान मोर्चा आदेश करता है उन आदेशों की पालना की जाती है, जैसे उनके दिशा निर्देश होते हैं ऐसे काम कर रहे हैं भाई। गाड़ियां पर डंडे झंडे तो देखे थे, लेकिन ये उकाग्र सारे औजार हथियार का काम औजार एक रहे किसान के, दाती जेड़ी टांगली सारा सौदा उकटी सब की मेहनत करते, तो किए मनमाई आपके। ये हमारी जो कर्म भूमि है ना, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड जिसको बोला आप, खेती उपजाऊ जमीन, जिस जमीन के अंदर आप अनाज उगावा, और वो अनाज उगा के इस पूरे देश का पालन पोषण करा। जब हम आजाद हुए ना, उस टाइम पे जो अनाज आया करता वो विदेश से मंगवाया कर दे। हमारे बुजुर्गों ने इतनी बड़ी खुबात कर रखी है, तीन तीन चार चार पीढ़ियां ने कुर्बानी दे के, ये जमीन कितने ऊंची थी, कितने नीचे थी, कितने रेत था, कितने पत्थर थे, कितने झाड़ थे, इनको तैयार कराया ना। तुम्हारे द्वारा कृषि के उपकरण थे कि भाई किसी चीज़ के लिए ट्रैक्टर के लिए उन चीज़ों के लिए तैयार किया, बड़ी खुबात कर रखी है बुढ़ा ने जब जाके यह जमीन तैयार करी थी। और उस जमीन को जब उखाड़ा कर दे, यानी कि उसको उसके अंदर जब बीज उगाने की जो तरीका था, जो तैयारी किया करते, तो उसको तैयार करने के लिए जमीन को, उसमें अनाज उगाने के लिए इन यंत्रों की आवश्यकता पड़ती थी। ये हमारे बुजुर्गों के एक प्रकार से देवता के रूप में थे, क्योंकि जब किसान उस अनाज को माथा लाकर, सिर माथा लाकर जब परमात्मा नाम लेकर उनका आता, हे भगवान यो अनाज बो हूँ, एक अनाज का अनेक में अनार बन, अनेक में बड़दा ने भी कया करता भाई बोला चल ले राम का नाम, यानी हाँ। तो इनका भाई उसने अपने जोड़न पकड़ के, तो इनका भी आशीर्वाद लेके, इनकी धोख मार के एक प्रकार थे जब ये काम, ये हमारे लिए हमारे किसानों की पूजनीय चीज है, ये विरासत की चीज है। मेरे दादा का था भाई, ये मेरे ताऊ के पास था, तो ये देखिए यू बलग ने तैयार करवाया, थोड़ा हो रहा था जुआ माँ, ये विरासत है हमारी। इसको आजकल की नई कांदी ने तो इनके नाम भी नहीं बेरा, लेकिन इन तो बहुत खुबात कर रखी है बुजुर्गों ने। जब जाके हम पड़े हाँ, जब जाके हम तैयार हुए हाँ, इब नई कांदी ने जो आए स्वराम और जो ये चीज़ें मिली है ना, तो वह बुढ़िया कुर्बानी के कारण मिल रही है।
उन्हें ना तो नुवेरा पेटे हमारी जवानी को डूब गई, बचपन को डूब गया, बुढ़ापा को डूब गया, सारी जिंदगी खेत में बिता दी उनने। और इनके साथ में खेत को तैयार करके जब जाके ये फसल अरीब 10-1 साल तक उपजाऊ होगी जमीन, और अब जालिम लोगों की इस पर नज़र होगी इन ज़मीनों को छीनने के लिए। अबाणी अडाणी मोदी अमित शाह इन ज़मीनों को हमारे से छीनना चाहते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये पूरे देश का किसान और मजदूर उनको बता देना चाहता है, हमारी पहले चार चार पाँच पाँच कुर्बानी दे दी, इबी भी एक एक दो दो पीढ़ी की कुर्बानी देने ने तैयार है, जमीन का हाथ ना लान देंगे भाई, मर जावांगे और या मार दें, दो ही बात है बस, सीधी धमकी है बिल्कुल। पूरे देश के किसान मजदूर की तरफ समझ जाना चाहिए उनने इस बात को। यूके मन में आई आपने कहीं सारी चीज गाड़ी का लगवा लेनी चाहिए, ये विरासत है हमारी, धरोहर है, इससे पता चलना चाहिए नई गांधी ने कि जो आज ये जो दिन देखने मिल रहे हैं ना, जो जो किसान के जो आज इस प्रकार से जमीन उपजाऊ हुई इन यंत्रों के साथ में है, ये हमारा होका, ये हमारा रुतबा होया करता, इसने स्टैंडर्ड भी बोल सका, हमारा रुतबा भी कह सका, जो भी है, ये हमारे कृषि के ही यंत्र थे, इनके साथ में पूरी की पूरी खेती को मतलब तैयार किया जाता था। एक चीज़ अगर पूछी जाओ, गवर्नमेंट ऑफ फार्मर यानी भारत सरकार हरियाणा सरकार गाड़ियां आगे देखी, लेकिन किसान सरकार पहले भाई किताबा पढ़िया कर दे सारे ने बेरा है, कृषि प्रधान भारत देश के इस प्रकार से हम नागरिक बोले जाते थे, यानी कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है तो कितने जकरा तो आना चाहिए ना, यानी कि किसान की सरकार, यू देश से किसान की सरकार है, 80% आबादी किसान मजदूर है देश की, यू तो ये भी इन लुटेरे लोगों ने, जिन लोगों ने हमारा पहले भी शोषण कराया हमारे बुढ़िया का, उन लोगों के हाथ में भी सारा सौदा आ गया, उनने किसान और मजदूर को ख़त्म करने के लिए 3 काले कानून बनाए, लेकिन ये 3 काले कानून इस सरकार का तख्ता पलट करेंगे। मोदी जी एक बात कह रहे हैं कि कानून किसानों का हित में है, तो कौन सी चीज हित में, अगर कहीं जाओ है तो उन्हें कह दे इनमें काला के है, लेकिन किसान कौन है कि सारे काले हैं। पहली बात तो यह सरकार काली है, इनके भीतर में कुछ है, बाहर कुछ है, कर्म कुछ है, धर्म कुछ है इनका, ये जिस प्रकार से धर्म की आड़ लेकर ये धर्म के नाम पर, देश के नाम पर और इतने बड़े बड़े कांड कर गए, मेरे भाई पुलवामा हमला क्यों फाइल बंद कर दी, देश के अंदर बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, देश के अंदर उन एजेंसियों द्वारा जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी बड़ी बड़ी चीज़ों का होया आज तक, पुलवामा हमला का क्यों नहीं होया, इतने बड़े बड़े इन क्राइम कर रखे हैं देश के अंदर ही सरकार ने, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, अपना वोट बैंक को आगे सरकार बनाने के लिए, उनका आज तक खुलासा नहीं करा, ये सरकारें काली है, इनका काला काला कर्म नहीं है। रही बात काले कानून, क्या प्लानिंग है इनकी, MSP खत्म कर देंगे, आज बिहार का क्या हाल है, बिहार में जो मक्की है यहाँ 2,000 रुपये क्विंटल प्लस भी चली जाए मक्की मिले, और वहाँ पे उनके किसानों पे वहाँ 500 रुपये 400 रुपये 600 रुपये 700 रुपये 9 क्विंटल खींचे हैं, जो बीच का मार्जिन रह गया ना, ये मार्जिन अबाणी अडाणी कमाना चाहते हैं, मान के चलो अपने ये कानून लागू होने के बाद में खेत में आया करेंगे, खेत में नुगे 500 रुपये क्विंटल गेहूँ लेवाएंगे, किसान की मजबूरी हो जाएगी, लेने हैं देने हैं सीधी बात, क्योंकि मंडी बंद हो जाएगी, ठा गए तसलिया में टोकरे हम उन्हें बेचण तरे हम, वो थोड़ी ठिकाना रंधा नहीं है, तो सबसे बड़ा तो काम है यू मारे दो रही है हमारी जमीना का, जो जो फसल जो खुबा तैयार करके हमारी, हमारा परिवार में अगर 6 आदमी है ना, 6 के 6 आदमी खून पसीना करके 6 महीना फसल तैयार करें, फिर ऊपर वाला पे भरोसा, उसकी गरड़ फरड़ सरड़ तर बच जावा तो कभी बाढ़ की मार आ जाए, कभी काल का मामला हो जाए, कभी फसल तैयार हो जाए पर ओले पड़ जाए, हमारी तो मतलब डंग डंग पगनी परीक्षा भाई, अनाज जब किसान का जब सुकून मिले है, जब उसका अनाज उसका गेहूं जो भी है वो कट कर तैयार होकर गुगू में लकड़ के मशीन में होकर अपना घर आ जाए, और फिर उसके बाद में मंडी में बेच जाए कि मैं हाथ में 2 पीसे आ जाए, किसी ने तो अपनी छोरी ब्याहनी पड़े, किसी ने अपना छोरा ब्याहना पड़े, किसी ने अपने डंगरा खातर कोई उसका ठहरा बनाना पड़े, किसी ने बड़का खातर दूध खातर मांस लेनी पड़े, अग भाई मेरे बालक दूध पी लेंगे, वह पीसे कड़त आओगे वो हमारी फसल बेकेगी, जब ये आओगे ना किसी ने अपना कर्जा तरना पड़े, किसी ने किमें करना पड़े, भाई बड़ी आस लाके 6 महीना की पुकार पे अकीब का फसल बढ़िया हो जाए, हे मालिक सच्चे मेरे घर में यू काम हो जाए सुबह, तो बड़ी आस हो, लेकिन इन लोगों ने इस गरीब और मजदूर किसान के घर में एक खुशी को उन्हें देखना चाहते हैं ये लोग, उनकी खुशी को छीनना चाहते हैं एक प्रकार से, ये चीज़ है भाई। आखिरी सवाल आपसे ये है, मोदी जी ने बोल दिया, मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया कि कानून वापस नहीं होंगे किसी भी कीमत पर नहीं होंगे, और किसानों की जो जिद कह लो अटका लो जो बैठे हैं, सर्दी निकल गई अब तो गर्मी आएगी, कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, कब तक ये सिस्टम चलेगा, वही नू है कोई भी झुकना। जब हमें भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था ना, तो देशव्यापी गांधी जी के आंदोलन हुआ था, पूरा देश लग रहा था,
तो उस टाइम पर अंग्रेज ने कहा कर दे हम ये आप लोगों को जो गुलाम बना रखा है हम पाछे नहीं हटांगे, अंग्रेज भी कह दिया चीज। लेकिन उस टाइम पर फिर भगत सिंह जैसे सुरमा क्रांतिकारी आए थे बीच में, जिन नए से धमाके करे कि अंग्रेजा के कान उड़ लंदन में जाके खुड़का होया था, उन्हें यह चीज सोचनी पड़ेगी। इबती तो यह शांति चल रही है, इब चल रही है गांधी वाला सिस्टम टोटली नु सोच कर चलो। इसमें जो हमारे जैसे जो यूथ क्रांतिकारी है ना, जिस दिन ये भगत सिंह मणके परने बांध गए जिस दिन चाल पड़े उदिन नछेपण की जगह पा जाएगी माम, ये जमीन कुकर छोड़ जाएंगे मारे बुजुर्गों की आत्मा रोवेगी, उनने चार चार पांच पांच कुर्बानी दे रखी, वो आज भी देखने लाग रहे हैं हमने अग भाई मारी खूब आती है देखांगे मारे वंश बचावेंगे कि नहीं बचावेंगे। तो भाई कुर्बानी देने खातर जमा सारे बड़े तैयार, हाँ सरकार के कहे कानून वापिस नहीं होंगे कोई बात नहीं, सरकार ने देखा है सर, सरकार तो आनी जानी चीज हो भाई, यहाँ इलेक्शन सरकार इनका नाम निशान नहीं पाओगा के रह जाएगा, हम नहीं पाछा हटांगे, मर जावांगे मार जाए दो हरफी बात है, या तो जीत कर जावांगे अपने घर या मर जावांगे, बस ये शब्द है। किसानी कौम तो मार्शल कौम है, इन्हू तो कौन बेरा ओडा बॉर्डर पर कौन खड़े हैं, देश की सुरक्षा करने वाले भी हमें, हाँ देश का पेट भरने वाले भी हमें, हाँ या किसानी और मजदूर कौम 80% आबादी इन्हें तो फरलों का खाया भाई, मारे बुढ़े के हाथ देख हाथ काम कर कर गए, टायर जले भर के हाथ हो रहे हैं और इनके हाथ देख मूंगफली की गिरी भर के हाथ पाऊ है खूब हाथ का हाड़ा बेरा पटा है, परिश्रम करके दिखाओ इन बेरा पटागा, मारे पे माइनस वाला जाडा चलिया गया हमारे पे दिल्ली में, अरे भैया गर्मी देखियो तपत आग लगाने वाली गर्मी पड़ेगी रामनू सह करांगे काम, गर्मी ऊपर तो भी पड़ेगी नीचे तो भी लगेगी, पढ़ो भाई गर्मी कैसे भी पढ़ो, हम तो गर्मी मरो वहां काम करा, जाडा मरो वहां काम करा, मारे भाई माइनस डिग्री में देश की सुरक्षा करने लग रहे हैं। मोदी ने क्या कहा आंदोलन जी भी एक कीड़े की संज्ञा दी थी हमें मोदी ने, शर्मानी चाहिए उसने, शर्मानी चाहिए उस पर धकार है, और मैं तो कहूँ भाई हमारा भी झूठे मुकदमे हो देशद्रोही तो केस इन पर लगने चाहिए देशद्रोह के, तो क्योंकि ये 80% आबादी को मारने लाग रहे हैं नाश करने लाग रहे हैं उस आबादी का, आंदोलन जीवी का देश की सुरक्षा करा हम तो सुरक्षा जीवी भी हाँ, देश का पेट भरा पेट भरने वाले भी जीव हैं, ये के हैं ये हमारा किसान मजदूर का खून पीने वाले जीवी है। चलो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भाई। तो भाई स्पेशल जो है गाड़ी तैयार करी थी थोड़ा साइड है जे वह गाड़ी आप आगे दिखाई है, सारे यंत्र किसान के इस्ते दिखाए हैं, जिस भाई ने गाड़ी तैयार कराई है हरियाणा का युवा जिला परिषद, जिसने इस आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर जाकर इस्तीफा देने का काम कराया था, किसानों का साथ किसान मजदूर का साथ देने का काम कराया था, उस भाई ने यह गाड़ी स्पेशल तैयार करवाई है, उन तो आपने बात भी करी है, जो मुद्दे थे उन पर बात करी है, भाई ने सीधी चेतावनी भी दी है कि या मारांगे और या मार देंगे, दो रफी बात है। बात वह है पता सरकार ने भी है, क्योंकि परसों खुद देवेंद्र बबली ने अपना मुँह तो बोलिया था कि अगर बाहर जावांगे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर नहीं उतरते और हम जाओगे तो सिर पर लोहे के हेलमेट यानी अंडर गारमेंट्स जिसने कच्चा बनियाना पा बोला कि वो भी लोह के बनवाने पड़ेंगे, यानी जो जनता का जो खतरा वो मंडराने लग रहा है और उन्हें एहसास हो रहा है उस चीज़ का कि तारा बाहर निकलना कितना दूभर है। बात करी है इन बातों में आपका मानना के है एक सभ्य कॉमेंट के जरिए आप अपने सोच विचार जरूर दियो, अच्छी बात अपना अगर लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल आवा खड़े थे, जय जवान जय किसान।